अदनान वाटर टैंक लाए हैं, खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ टीवी। आई नजर डालते हैं हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस के खास खबरों पर। पेट्रोल और डीजल के अलावा घरेलू पकवान गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में इंदिरा पार्क से चलो राजभवन रैली निकाली गई, मगर पुलिस ने रैली को बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिसके नतीजे में कांग्रेस लीडर्स और पुलिस के दरमियान बहस हो गई और पुलिस ने रेवंत रेड्डी और दूसरों को हिरासत में लेकर अंबरपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने इंदिरा पार्क के पास खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के वजीर आला केसीआर की जोड़ी आवाम को लूट रही है। संगारेड्डी से कांग्रेस के एमएलए जग्गा रेड्डी ने भी इंदिरा पार्क पर खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस रूलिंग टीआरएस हुकूमत के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने पुलिस ऑफिसर से सीएम केसीआर की चमचागिरी बंद करने का मुतालिबा किया। मरकज की बीजेपी हुकूमत ने एक हैरान कर देने वाला फैसले में तेलंगाना को बड़ा झटका दिया है। मरकज ने तेलंगाना के तमाम मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। मिनिस्ट्री ऑफ जल शहती ने इस सिलसिले में कहा कि गजट नोटिफिकेशन कल रात जारी की गई है, जिसके बाद कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड मरकजी हुकूमत ने कंट्रोल में ले ली है। वजीर आला तेलंगाना और सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत टीआरएस पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें मरकजी हुकूमत की जानिब से कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को मरकजी हुकूमत ने कंट्रोल में लेने वाली गेजेट नोटिफिकेशन पर बातचीत की गई। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने मरकजी बीजेपी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के तमाम मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अपने कंट्रोल में लेने और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से इस सिलसिले में एक गजट नोटिफिकेशन जारी करने के इस्तकबाल किया। उन्होंने सीएम केसीआर को इस मामले में सियासत बंद करने का मुतालबा किया। टीआरएस पार्टी के आरमूर से एमएलए जीवन रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से आंध्र प्रदेश के हक में जारी किए गए गजट को फौरी वापस लेने का मुतालिबा किया गया। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर एक बार तेलंगाना एजिटेशन शुरू करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। अलहदा तेलंगाना रियासत के कायम के वक्त बनाए गए कानून के मुताबिक कृष्णा नदी और दूसरे प्रोजेक्ट्स के पानी की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान तकसीम होना चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस की खातून एमएलए सीता अक्का ने दोनों चीफ मिनिस्टर से वोटों की सियासत बंद करने का मुतालिबा किया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान कृष्णा नदी के पानी की तकसीम के झगड़े पर कहा कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफी होगी तो दिल्ली जाकर भी लड़ेंगी, तेलंगाना का एक खतरा पानी भी आंध्र प्रदेश को नहीं लेने दूंगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस और बीजेपी में दोस्ती हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी भी अहम रोल रखती है और मेन अपोजिशन पार्टी बनने वाली है। एक बार बेटे के हाथों तो एक बार बाप के हाथों। तेलंगाना तेलुगु देशम के साबिक सदर एल रमना ने आज वजीर आला तेलंगाना और टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में बाज़ब्ता शामिल हो गए। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के अहदेदारों को हिदायत की है कि वो 26 से 31 जुलाई तक अहल अफराद में नए राशन कार्ड की तकसीम का इंतजाम करें। सीएम केसीआर ने मिनिस्टर गंगुला कमलाकर से भी इस सिलसिले में इंतजामियत करने को कहा। ईद उल अजहा की नमाज की अदाई के लिए तेलंगाना की मस्जिदों और ईदगाहों को खोल दिया गया है। पिछले साल कोविड-19 वबा और लॉकडाउन की वजह से मुसलमानों ने रमज़ान और बकरीद की ईद की नमाज घरों में अदा की थी। इसी तरह जारिया साल लॉकडाउन के चलते ईद उल फितर की नमाज के लिए परमिशन नहीं दिया गया था।
तेलंगाना हुकूमत एक जानी मुसलमानों के लिए चलाई जा रही फलाई स्कीम्स पर अमल करने के बड़े बड़े दावे करती है, मगर ज़मीनी हकीकत इसकी अपोजिट है। ये एक सितम ज़रीफ़ी है कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी और डायरेक्टर के अहदों पर मुसलमान होने के बावजूद तारीखी मक्का मस्जिद के इमाम को पिछले 16 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अहलकार फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस सिलसिले में मंजूरी हासिल करने में नाकाम हो गई है। वजीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने होदेदारों को 5 दिनों में रियासत के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में खाली पोस्टों से मुतालिक रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने रियासत में सरकारी महकमों में खाली पोस्टों के मुतालिक दाखिल की गई रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए तफसील रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी। शहर हैदराबाद के जीएचएमसी हदूद में महीने 20,000 लीटर तक फ्री पीने के पानी की सप्लाई स्कीम से फायदा उठाने के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख बढ़ाई गई है। अब 15 अगस्त तक दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड दाना किशोर ने होदेदारों को घर घर पहुँच कर 15 अगस्त तक नाम लिखाने का मशवरा दिया है। कोरोना की बदली हुई शक्ल डेल्टा वायरस जो हिंदुस्तान भर में कोरोना की दूसरी लहर का सबब बना है, तेलंगाना में तश्वीशनाक हद तक मौजूद पाया गया है और इस शक्ल का वायरस डेल्टा इंतहाई तेजी के साथ फैल सकता है और इससे सिर्फ 5 से 10 सेकेंड में दूसरा आदमी मुतासिर हो सकता है, एक स्टडी में ये बात बताई गई है। सनत नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में नामालूम हमलेवारों ने सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल 47 साल वेमुलु वेंकटेश एलबी नगर का रहने वाला है। वो पिछले 4 साल से एक ओपन प्लॉट पर सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से काम कर रहा था। जुम्मे की सुबह वेंकटेश अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। पुलिस ने तहकीक शुरू कर दी है। मिर्चा जिले के शामिरपेट पुलिस स्टेशन लिमिट में हादसा पेश आया जिसमें शामिरपेट तालाब में 2 नौजवान डूबकर और उनकी मौत हो गई। मिर्चा जिले के शामिरपेट पुलिस स्टेशन लिमिट में हादसा पेश आया जिसमें शामिरपेट तालाब में 2 नौजवान डूब गए और उनकी मौत वाकई हो गई। ये लोग अपने दोस्त का बर्थडे मनाने के लिए यहां आए थे। मरने वालों की अलवाल की शिवन और शोभित के तौर पर शिनाख्त की गई है। नान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन।